अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम। सद्गुरु गुरु पूजा में गुरु का आवाहन करने के लिए 16 भेंटें अर्पित करते हैं। मैं सोच रहा था 16 ही क्यों, क्या आप इस बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? ये 16 अर्पण क्यों? ये इसका एक खास गणित है। आप में से कितने लोग साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं? मुझे आश्चर्य हुआ। मैं गणित को आसान बनाना चाह रहा हूं। देखिए, हम जिन 21 आयामों की बात कर रहे हैं वो सभी इसलिए हैं क्योंकि अब तक 84 धमाके हुए हैं। अब तक 84 सृष्टियां बनी हैं। 21वीं ये वाली यहां चल रही है और ये अभी भी बन रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ बन चुका है, ये इस तरह से नहीं है। हर चीज अभी भी बनती जा रही है ना? आप जहां भी देखें, क्या बनने की प्रक्रिया हर जगह सक्रिय है? यह सक्रियता से चालू है। ऐसा नहीं होता है कि सृष्टि बन चुकी है, सृष्टि बनती है, अब भी बन रही है, बनती जा रही है। तो ये सृष्टि जो बन रही है, जो इस समय बनती जा रही है, ये एक है। तो जो बचा वो 20 हुआ, 21 नहीं, 20। तो जब हम 16 अर्पण की बात करते हैं तो हम 20 और 4 की बात कर रहे हैं। उसमें से 4 हटा रहे हैं इसलिए क्योंकि पहले 4 लगभग इसके जितने ही वास्तविक हैं। हम वो नहीं चढ़ाते क्योंकि उन्हें चढ़ाना मतलब एक दूसरी तरह की गुरु पूजा होती है जहां आप खुद को चढ़ा देते हैं। योग परंपरा में आप ऐसा नहीं करते, तंत्र परंपरा में आप खुद को चढ़ाते हैं। तांत्रिक इस तरह की चीजें करते हैं कि अपना ही सिर काट दिया। वो अपने हाथों में अपने ही सिर को ले जाकर देवी को अर्पित कर देते हैं। असल में ऐसे लोग हैं जो ये कर सकते हैं, बिना सिर के जाएंगे और भेंट चढ़ा देंगे अपना ही सिर। तो अगर आप इन 4 को चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो एक तरह से आप अपने ही अस्तित्व की प्रक्रिया को चढ़ा रहे होंगे। आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप गुरुओं के लिए इतने उदार नहीं होते, ठीक है? आप वो चढ़ाना चाहते हैं जिससे आपकी खुद की खुशहाली खतरे में ना पड़े। वो सब कुछ जो आपसे परे है चढ़ाया जाए, पर इससे आपकी खुशहाली खतरे में ना पड़े। इसीलिए तो 16, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये 16 कहां हैं, क्या हैं, तो आप इन्हें उन चीजों के रूप में भेंट करते हैं जो आपके लिए कुछ मायने रखती हैं। जैसे गुरु आए तो आवाहनम, आप उनका स्वागत करते हैं, उन्हें एक आसन देते हैं, तो ये आसनम है। इस तरह से बाकी चीजें सोलह भेंटें जो आप अर्पित करते हैं वो अतिथि सेवा के 16 तरीके हैं। इसीलिए हमेशा गुरु पूजा पत्थर हमें यहां भी एक बनाना चाहिए। गुरु पूजा पत्थर 16 कोने वाला पत्थर हुआ है। अगर आप एक गुरु पूजा पत्थर को स्थापित कर उसके समीप एक अनुष्ठान करें, यहां पर हम ये छोटा सा अनुष्ठान करते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं करते क्योंकि जैसा मैंने कहा, अनुष्ठान एक समावेशी प्रक्रिया होती है, एकदम समावेशी प्रक्रिया। यहां बैठकर हर व्यक्ति इसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकता। ध्यान इस तरह हो सकता है,
आप यहाँ बैठ सकते हैं। अपने बगल में बैठे व्यक्ति की कोई फिक्र किए बिना आप ध्यान में बैठ सकते हैं। और आज की दुनिया में, 21वीं सदी की दुनिया में, जिस तरह के समाज में आप रह रहे हैं, उसमें ध्यान प्रक्रिया अनुष्ठान की प्रक्रिया से ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि आपका खुद का परिवार भी अनुष्ठान में शामिल नहीं होगा। आप चार लोग नहीं ला सकते जो एक ही समय पर एक ही चीज करने के लिए इकट्ठा हो। अब ऐसा नहीं होता है ना? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका अपना स्वतंत्र मन है। उसमें स्वतंत्रता वाली कोई बात नहीं है, वो बस एक तरह का बंदर, एक तरह का मरकट मन है, क्योंकि वो किसी एक चीज से आगे दूसरी नहीं देख सकते, तो वो बस अपनी विशेषता बताते फिरते हैं। इसीलिए विशेष होना महत्वपूर्ण हो गया है। नहीं तो अगर आप जीवन के तरीके समझते हैं तो आप साफ तौर पर यह समझेंगे कि समावेशी होना निश्चित ही जीने का ज्यादा बुद्धिमान तरीका है, क्योंकि इसी तरीके से पूरा अस्तित्व काम कर रहा है ना? हाँ, चाहे आप पसंद करें या नहीं, अभी हम सांस ले रहे हैं और जो भी कर रहे हैं सब कुछ एक समावेशी प्रक्रिया है, क्या ऐसा नहीं है? अगर आप इसमें शामिल ना हो तो आप घुटकर मर जाएंगे। जिस भी तरह से आप इसे देखें, जीवन की तरह, बुनियादी फिजिक्स की दृष्टि से, एटॉमिक फिजिक्स की दृष्टि से, या सांस को ही देखें, अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी, यह एक समावेशी दुनिया है कि नहीं? देखिए, अभी यहां पर जो कुल मिलाकर 200-250 लोग इस परिसर में मौजूद हैं, एक ही किचन है, शायद 6 से 8 लोग खाना पकाने के लिए समय दे रहे हैं। मान लीजिए ये 250 लोग औसतन एक परिवार में 4 लोग माने तो आप लगभग 30 परिवार हैं। 30 नहीं, और ज्यादा, 100, माफ कीजिएगा, लगभग 50-55 परिवार, मान लीजिए 60 परिवार। 60 परिवार अगर अभी ये अलग अलग घरों में रहें, यहां मैकमिन विले के पास या जहां भी, तो आपको 60 चूल्हे चाहिए, बर्तनों के 60 सेट, 60 किचन, 60 गैस सिलेंडर, सब कुछ 60। आर्थिक लिहाज से यह समझदारी वाला काम नहीं है, है ना? इसके लिए आध्यात्मिक मार्ग में होना जरूरी नहीं है। लोग बस यूं ही साथ आ सकते हैं और व्यवस्था कर सकते हैं। मैं ये अच्छे से कर सकता हूं, तुम वो कर सकते हो, तो मिलकर करते हैं और जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। हर किसी को उनके किचन में और बाहर हर वक्त काम में लगे रहने की जरूरत नहीं है। आप वहां जाएं और बिल्कुल समय पर खाना तैयार मिलेगा, क्या यह बढ़िया नहीं होगा? अगर आपकी जिंदगी में हर दिन ऐसा हो तो शायद हम कंजी से कुछ ज्यादा बना सकते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि हम विशिष्ट हैं तो हम ये नहीं कर सकते। ये सबसे समझदारी वाला काम होगा, पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम विशिष्ट रहना चाहते हैं। विशिष्ट रहना मृत्यु की ओर बढ़ना है, पर क्या करें, हम उस विशिष्टता को भी विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ध्यान की प्रक्रियाएं सिर्फ इसी वजह से आई, और समावेशी प्रक्रिया के साथ समस्या यह है कि लोगों को एक खास निष्ठा और समर्पण के भाव में होना पड़ेगा, नहीं तो आसानी से इसका दुरुपयोग होगा। अनुष्ठान के साथ यही समस्या है कि जब तक ये खास निष्ठा भाव रखने वाले लोग न हो तो आसानी से इसका दुरुपयोग हो सकता है। ध्यान का इतनी आसानी से दुरुपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि इसे आप कर रहे हैं, कोई और आपको किसी खास तरह से प्रभावित नहीं कर सकता, तो उस तरह से ये सुरक्षित है, पर यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है। अनुष्ठान जीवन के लिए बहुत ही आकर्षक और सुंदर तरीका हो सकता है अगर आश्रम बढ़ता है, और अगर यहां इस तरह के लोग हों जो प्रक्रिया के लिए पूरी तरह समर्पित हों, तो हम बेहतरीन अनुष्ठान कर सकते हैं, वाकई आकर्षक और सुंदर अनुष्ठान, जहां जीवन अत्यंत सुंदर बन जाएगा, ना कि ऐसा। यह अपनी तरह से अच्छा है, पर चीजों को करने के लिए इससे भी सुंदर तरीके हैं, पर उसके लिए आपको एक विशेष स्तर का उल्लास और समावेशिता और एक दूसरे के साथ भागीदारी चाहिए, तभी यह करना संभव होगा। जहां लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वहां आप अनुष्ठान नहीं करते।